नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर घाटी में यानी बात करें पिछले लेने की कोशिश की गई, लगातार आतंकवादी जो है अपना फन फैलाने की फिर से कोशिश उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही इनके फन को कुचलने का, पर ये जरूर कहेंगे सरकार बनने के बाद फिर से ये गतिविधियां आखिर कब खात्मा होगा इन कायर आतंकियों का जो हमेशा निहत्थों पर मजलूमों पर वार करते हैं वो भी पीठ पीछे। एक बड़ी खबर घाटी के तराल से आ रही है, बताना चाहेंगे तराल में गैर स्थानीय निवासी को गोली मारकर घायल किया गया। पूरी खबर क्या आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिला में स्थित तराल के बटाकुंड गाँव में गुरुवार सुबह आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में 19 वर्षीय एक गैर स्थानीय व्यक्ति घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि एक गोली उनके हाथ में लगी जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तराल के एक नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। घायल की पहचान पीतंबर सिंह के जो कि उम्र उसकी 19 वर्षीय है, पुत्र शुभम कुमार के रूप में की गई है। इसी बीच घटना के बाद सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई जहां फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। बताना चाहेंगे आपको कि कल भी रेलवे स्टेशन से हमारे कुछ सहयोगियों ने आपको खबर बताई थी कि वहां पर जो नान लोकल जो मजदूर थे श्रमिक थे वो उन्होंने जम्मू का रुख किया और उसके बाद अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि लगातार कुछ दिन पहले हमने खबर भी दी थी और जिस खबर को उन्होंने गलत बताया था। पुलिस के अधिकारियों ने कहा था इस खबर का हम खंडन करते, इसे मानते नहीं है क्योंकि ये खबर झूठी है। पर वहीं पर हमने एक लेटर भी पढ़कर बताया था जहां पर यह चेतावनी दी गई थी, अगर कोई भी गैर स्थानीय सोचेगा यहां पर आकर हम अपना घर बनाएंगे, अशाना बनाएंगे और यहां पर रुकने का यानी कि सोच रहे होंगे तो वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी आरएसएस का वर्कर कार्यकर्ता यहां पर ग्रास रूट लेवल पर काम करने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कल प्रवासी मजदूरों का आगमन जो जम्मू में और जम्मू से अपने घरों को वापिस लौट रहे हैं। आखिर ये आतंकवादी चाहते क्या है, क्योंकि एक बार फिर से एक टारगेट किलिंग जरूर कहेंगे, कल जो दो दिन पहले जो हुई टारगेट किलिंग की गई, आज भी अगर बात करें तराल में तो टारगेट कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और जिसमें बताना चाहेंगे उनके हाथ में गोली लगी है। 19 वर्षीय जो पीतांबर सिंह है और जो गैर स्थानीय है यहाँ पर और नान लोकल है उन पर गोली मारी, उन्हें गोली से मारने की कोशिश की गई, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी जान बच गई। पर लगातार आप देख रहे हैं ये आतंकवादी अब टारगेट के लिए टारगेट कर यानी कि उन्हें चिन्हित कर उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जो हादसा हुआ, एक बड़ी घटना हुई जिसे बताया जा रहा है कि 30 वर्षों में पहली ऐसी घटना जिसमें श्रमिकों को और इतना बड़ा हमला किया गया जिसमें 7 लोगों की, एक डॉक्टर के समेत 7 लोगों की जान चली गई। पर वहीं पर लगातार आप देख रहे हैं आज फिर से तराल में एक आतंकवादियों ने एक नान लोकल पर गोली चलाई जिसकी उम्र पीतंबर सिंह है, उम्र उसकी 19 साल है और वहीं पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी जान बच गई, उनके हाथ पर गोली लगी, गोली उनकी जान भी ले सकती थी। आखिर ये कायर आतंकवादी चाहते क्या है, यानी कि अपने ही कश्मीर को इस तरह से बदनाम करने का ये कायर आतंकी प्रयास कर रहे हैं। हम कश्मीर की जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी एक होकर इन आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि जहां पर जनता का समर्थन मिलता है वहां पर हर चीज संभव है, संभव कुछ असंभव कुछ भी नहीं है। अगर जनता चाहे कश्मीर घाटी की तो इन आतंकवादियों से लोहा लेने में कोई भी संकोच नहीं होगा। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर वहीं पर ये कायर आतंकी फिर से अपना फन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कायर और बुजदिल आतंकी हैं, हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, हमेशा निहत्तों पर गोलियां चलाते हैं, हमेशा छुप छुप कर वार करते हैं, क्योंकि सामने आने की ना ही इनकी औकात है और ना ही हिम्मत है, क्योंकि इन्हें पता है अगर सामने से आएंगे हमारे सुरक्षा बल इन्हें मौत के घाट उतारेंगे, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें छोड़ेगी नहीं। इसीलिए ये जंगलों का सहारा लेकर छुप छुप कर अपना दबदबा अपना डर बनाने के लिए लोगों को, गरीबों को, दिहाड़ीदारों को, मजदूरों को यानी कि निशाना बनाते हैं। खुद बताइए डॉक्टर का क्या, डॉक्टर शाहनवाज का क्या कसूर था, जो शशि अबरोल थे उनका क्या कसूर था, जो जम्मू कश्मीर के निवासी थे अपना व्यवसाय चलाते थे, खुद सोचिए ये खबर जो है, इस तरह की खबरें वहां के जो व्यापारी हैं उनके लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि अगर बाहर से लोग यहां पर काम करने आ रहे हैं, यहां से टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यवसाय बढ़ता है जम्मू कश्मीर का। अगर बात करें कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से पर्यटक आते हैं, और जम्मू की बात करें तो जम्मू मंदिरों का शहर है, देवस्थल कई सारे ऐसे हैं जहां पर लोगों का आकर्षण होता है और वहां पर लोग दर्शन के लिए
जाते। अगर कश्मीर घाटी में इसी तरह से लगातार चीजें होती रही, खुद सोचिए कश्मीर के लोगों का व्यवसाय कहां जाएगा। ये आतंकी कश्मीर के लोगों के भी दुश्मन है, ये उन्हें सही तरीके समूथली जिंदगी जीना नहीं देना चाहते, क्योंकि वो समय देखिए जब पत्थरबाजी होती थी, लोगों के महीने महीना रोजगार बंद रहता था। एक दुकान की अगर बात करते वहां पर तीन तीन लोगों के घर चलते थे, किस कदर लोगों ने परेशानी का आलम सहा। अब फिर से पत्थरबाजी तो बंद हुई, पर फिर से ये आतंकवादी कायर आतंकवादी अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और गैर गैर स्थानीय यानी नॉन लोकल जो रेजिडेंट हैं या नॉन लोकल श्रमिक मजदूर हैं, उन पर ये अपना जो है डर दिखा रहे हैं, उन पर अपनी कायर हरकत को अंजाम दे रहे। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है तराल से आ रही है कि एक बार फिर से इन कायर आतंकियों ने एक नॉन लोकल रेजिडेंट पर गोली चलाई, जिसके चलते उनकी जान तो बच गई पर उन्हें हाथ पर गोली लगी। हम भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि उसका जानी नुकसान नहीं हुआ, पर ये कायर आतंकी कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द ऐसे अभियान चलाए जाएं कि ऐसे आतंकियों को नष्ट नाबूद किया जाए। घाटी से क्या कहीं भी छुपे हो, इन्हें निकाल निकाल कर इन्हें मौत के घाट उतारा जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर तराल से आ रही है। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए से हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।